किसी भी राजनीति में अगर आपका निर्णय तात्कालिक परिस्थितियों में होता है तो उसमें सफलता की संभावना क्षीण हो जाती है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर अगर ईमानदारी से आप गाड़ी से चलते हैं तो आप मतलब 100 कदम भी 100 गज भी आपका गाड़ी बिना हिचको लेके नहीं चल सकता है। आज का तथ्य है ये। मैं सुबह निकलता हूँ, 4-5 घंटे मैं गाड़ी पर आजकल जो है कुल मिला के सुबह से शाम तक रहना पड़ता है। और क्या दुर्दशा है दिल्ली के सड़कों की वो लोग देख सकते हैं। लालू जी की सड़क की आलोचना होती है, उस समय तो सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो गए थे, वो स्थिति नहीं है। तो इतना होते हुए अरविंद जी के जेल में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने में सफल नहीं हुई, वो एक्ट करते हैं, बीजेपी रिएक्ट करती है। तो इसलिए बीजेपी की रणनीति मुझे इस मामले में कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत बड़ी चुनौती इस समय अरविंद जी को मिल जाएगी, ये मेरा दिल स्वीकार नहीं करता है। ये एक व्यवहारिक आज की दिल्ली की राजनीति है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। अब आतिशी जी की आतिशी पारी शुरू हुई है, अब उस आतिशी में कितना आतिशबाजी होगी, कितने उसमें पटाखे में जो है उसमें आवाज़ निकलेगी, कितना धुआं निकलेगा, उसके चकाचौंध में क्या क्या होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। आतिशी जी की भूमिका उतनी ही है। अरविंद जी ने सीधे सीधे अपने भाषण में कहा कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, लेकिन ये इतना ही है कि जब आप लोग वोट दे करके मुझे आरोप से मुक्त कर देंगे कि मैं ईमानदार कट्टर ईमानदार हूँ तो मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। यानी हमारा सीट रिजर्व नहीं होता है था तो जैसे हम एक गमछा वगैरह डाल के किसी को कहते थे कि भैया जरा हमारा सीट देखते रहो, हम लौट के आएंगे फिर बैठ जाएंगे, उस प्रकार के मुख्यमंत्री का ये परिवर्तन है। इतना ही है इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ अरविंद जी ही होंगे। और अरविंद जी के सामने विद्रोह करने का उन्होंने कई प्रकार के मॉडल देश के सामने दिए हैं। जैसे ही ये पार्टी में तब्दील हुई तो या तो आप बात से जाएं और जो लोग बात से नहीं गए उनके साथ दूसरे का उपयोग हुआ, और देश के बड़े बड़े लोग कार्यक्रमों में उनकी कुटाई हुई, पिटाई हुई, गालियां सुने गए, निकाले गए। और जिस स्वाति मालीवाल की चर्चा हुई उसका भी इलाज हुआ, वो अलग बात है कि अभी तक उस रूप में अभी दोबारा वो पकड़ में नहीं आया। तो जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा थोड़े दिन के लिए और वो अगर इस पार्टी में बाएं दाएं जाएगा तो उसके लिए मानक बना हुआ है वहाँ निपटने का, उससे निपट लिया जाएगा। तो ये एको अहम द्वितीय नास्ति है। अरविंद जी की पॉलिटिक्स जो है उसका उत्तर अभी दिल्ली प्रदेश में न कांग्रेस के पास है न भाजपा के पास है। भाजपा अगर इतने सालों में एक नेता नहीं खड़ा कर सकी, आप अगर अरविंद जी की संपूर्ण राजनीति की समीक्षा के लिए 2-3 दिन का सेशन बुला के उसको ठीक से समझना कि इतने बड़े फेल्योर के बावजूद दिल्ली में कि सुबह जो पानियाँ आती हैं, हम लोग अभी बोतल मंगा के पानी पी रहे हैं, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं सुबह पानी में गंध करता रहता है, डेली स्नान के लिए रात में पानी नहीं भर लिए तो सुबह आपको महकते हुए पानी से नहाना पड़ता है वीआईपी एरिया, वो सारी स्थिति होते हुए भी और उनको लोकसभा छोड़िए विधानसभा में शानदार विजय मिल रही है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये केवल इतना ही है कि चूंकि अरविंद जी सुप्रीम कोर्ट के जमानत की शर्तों के अनुसार वो न तो मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभा सकते थे, न एक फाइल पर साइन कर सकते थे, न सचिवालय जा सकते थे, न कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते थे। तो अगर कुछ कराना है, चुनाव में कुछ घोषणा भी करानी है तो ये सब कराना पड़ेगा। अब उनको एक विधायक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान शायद नहीं किया, वो देखना पड़ेगा कि वो सचिवालय ऐसे घूमने फिरने जाके मार्ग निर्देश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन जमानत की शर्त है क्या? जमानत की शर्त ये है कि अगली बार वो जीत जाएंगे तो जमानत की शर्त खत्म हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री पद की भूमिका निभा सकते हैं, इसका तो विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।